हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो डिटरमिनेंट इन केस ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, तो डिटरमिनेंट को पहले डिनोट कैसे करते हैं? डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं ए, ठीक है, इस तरह से। अब अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे हम, किस तरह से फाइंड करेंगे? 1x4 माइनस 2x3, ठीक है जी। तो डिटरमिनेंट हम किस तरह से फाइंड करेंगे? 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2। 2x2 के केस में हम इस तरह से डिटरमिनेंट को फाइंड करेंगे। अगर हम इसे डिफाइन करना है, ठीक है, नॉट इन एलिमेंट्स, तो हम अदर देन एलिमेंट इस तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं। इसको माइनर्स भी बोलते हैं। ये इट डिनोट कर रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, ये एलिमेंट डिनोट कर रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अगर हमने डिफाइन करना है, ठीक है, डेफिनेशन देनी है, तो हम डिटर्मिनेंट को विद एग्जाम्पल इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर हमने 3x3 केस में डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? तो 3x3 के केस में जैसे मैंने डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, जैसे हमने क्या किया, 10 को लिया। इसके बाद हमने क्या करना है? इसको छोड़ देना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उसको एज अ मैट्रिक्स हमने लेना है, ठीक है। ये हमने 10 प्लस का लिया, 7 हम क्या करेंगे, माइनस का लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पहले हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिया, फिर हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट लेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं उनको हम एज अ मैट्रिक्स लेंगे, क्लियर है। हमने क्या किया, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ के 5 4 9 5। अब पहले प्लस फिर माइनस फिर हम 8 क्या करेंगे, प्लस का लेंगे। अब हम कौन से एलिमेंट्स लेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ के 5 5 9 6, क्लियर है। तो इसके बाद हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 10 बाहर रखा, ठीक है, 5 × 5 माइनस 4 × 6 दैट इज 24 माइनस 7, 5 × 5 माइनस 36 प्लस 8 30 माइनस 45, क्लियर। अब जब इसकी कैलकुलेशन करनी है तो ये आ गया 1, ये आ गया 11 और इन दोनों का डिफरेंस है माइनस 50, 10 77 माइनस 120, तो ये आ गया 67, 1 माइनस 187, दिस इज द आंसर। जब हम इसको चेक करते हैं, एक बार चेक करके देखते हैं, 25 36 11, ये 11 यहाँ पे माइनस का आएगा, माइनस का 11 आने से ये प्लस हो जाएगा और जो आंसर है दैट विल बी माइनस 33, ठीक है। हाँ जी, अगली एग्जांपल, एक और एग्जांपल करते हैं हम इसकी। उस एग्जांपल में ए इज इक्वल टू 102 310 144, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पहले हम 1 लेंगे तो अंदर क्या आएगा, 1044 माइनस 0 लेंगे तो इन दोनों को छोड़ के 3014 प्लस 2 लेंगे
थ्री वन वन फोर, ठीक है, वन फोर माइनस ज़ीरो माइनस ज़ीरो ट्वेल्व माइनस ज़ीरो प्लस टू ट्वेल्व माइनस वन। ए डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, फोर माइनस ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो, इलेवन इंटू टू ट्वेंटी टू, इट इज़ ट्वेंटी सिक्स। ठीक है, अब एक नया पॉइंट कि हम लोग जो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ये एलिमेंट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मींस हमने अगर इसी क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, हम लोग सेकंड लाइन को बेस लेके भी चल सकते हैं। सेकंड लाइन को अगर बेस लेंगे, सेकंड रो को, तो थ्री हम माइनस का लेंगे, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के ज़ीरो टू फोर फोर प्लस वन, पहले मैंने प्लस माइनस प्लस, अब माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, वन टू वन फोर, फिर क्या लोगे, माइनस ज़ीरो। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या आ गया, वन ज़ीरो वन फोर, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किया माइनस थ्री, ज़ीरो माइनस एट प्लस वन, फोर माइनस टू माइनस ज़ीरो, फोर माइनस ज़ीरो, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट आ गया ट्वेंटी फोर, माइनस थ्री माइनस एट ट्वेंटी फोर प्लस टू माइनस ज़ीरो, अगेन आंसर इज ट्वेंटी सिक्स। तो आप डिटर्मिनेंट चाहे रो लेके करो चाहे कॉलम लेके करो, आंसर जो है सेम आएगा, डिटर्मिनेंट सेम आएगा। पॉइंट क्या है कि आप लोगों ने साइंस का ध्यान रखना है, जो साइंस है वो चेंज होंगे। मैंने पहले भी आपको बताया, ये हमेशा प्लस, ये माइनस का लेना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। जब हम प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिन करते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ का फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आपको थ्योरी का आ सकता है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रो डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। कहने का मतलब है कि अगर ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हो, जैसे वन टू थ्री फोर, वन टू का आ गया वन टू थ्री फोर, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है दैट इज फोर माइनस सिक्स माइनस टू, और ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है दोनों की वैल्यू सेम है। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ टू रोज आर इंटरचेंज, मीन्स आपस में चेंज होती हैं, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी बट उनका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे हमें मैट्रिक्स दी है वन टू थ्री फोर, और अगर हम इसकी रोज सेकंड रो को फर्स्ट में कन्वर्ट कर दें, फर्स्ट को सेकंड में कर दें, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया फोर माइनस सिक्स माइनस टू, इसका डिटर्मिनेंट आ गया सिक्स माइनस फोर टू, मीन्स दोनों के साइन चेंज होके वैल्यू जो है वो सेम है। थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो, जहाँ तो सारी रो के एलिमेंट्स ज़ीरो हैं या कॉलम के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हम इसे प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट, पहले मैंने बाहर क्या लिखा वन, तो अंदर क्या आएगा ज़ीरो ज़ीरो थ्री वन माइनस फोर, क्या स्किप करना है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ज़ीरो ज़ीरो टू वन प्लस फाइव, तो अब क्या लेंगे हम, फर्स्ट रो इसको छोड़ के ज़ीरो ज़ीरो टू थ्री,
क्लियर। तो 1 0 माइनस 0, 1 माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया 0 से, 0 आ गया। 4 0 माइनस 0 तो क्या आ गया 0। प्लस 5 0 माइनस 0 तो क्या आ गया 0। तो आंसर इज 0। प्रूव हो गया कि अगर किसी मैट्रिक्स की एक रो 0 है या कॉलम 0 का है, सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ एलिमेंट्स ऑफ वन रो आर आइडेंटिकल टू एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो देन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0। प्रूव करें तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 1 2 4 5 6 ठीक है, -2 फर्स्ट रो इसको छोड़ के 1 1 4 6 प्लस 4 1 2 1 5 ठीक है, 1 12 -20 2 6 -4 5 -2 -8 ठीक है, +2 -4 3 12 इज इक्वल टू 0। प्रूव हो गया। तो अगर किसी एक रो के सारे एलिमेंट्स दूसरी रो के सारे एलिमेंट्स के साथ आइडेंटिकल हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 होगा। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ एलिमेंट ऑफ एनी रो आर मल्टीपल बाय अ स्केलर देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी मल्टीपल ऑफ इट। फॉर एग्जांपल ए हमने लिया 1 2 3 4, अब हम इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको A1 लिखते हैं। क्या लिखेंगे 2 4, 2 से मल्टीप्लाई किया 3 4, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आया 4 -6 -2, और इसका A1 का डिटर्मिनेंट क्या होगा 8 -12 -4। हमने फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई किया था 2 से, तो जो डिटर्मिनेंट है वो किसका मल्टीप्लाई हो गया 2 का। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज जो हमें दी गई हैं, दीज आर द शॉर्ट आंसर टाइप थ्रेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा डिटर्मिनेंट का आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है अकॉर्डिंग टू PU चंडीगढ़, ठीक है जी। तो आप लोगों ने इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन करने, 2x2 और 3x3 के डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।